हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं आपका भाई उत्तम कुमार। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और धन्यवाद उनका भी देना चाहूँगा जो वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लगी। तो आज की वीडियो जो भाइयों हमारी है वो है कि जंगली कबूतरों को अपनी छत पर कैसे हिलाया जाए। आप देख सकते हो कि छतरी पे काफ़ी सारे जंगले बैठे हुए हैं, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो दड़बे के अंदर भी जंगली कबूतर मिलेंगे काफ़ी सारे, या फिर बाहर आ गए होंगे। और हमारा जो जोड़ा लगा हुआ है पालतू कबूतरों का, वो जंगली कबूतर से भी लगा हुआ है। तो बिगर देरी के वीडियो शुरू करते हैं, तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं किस तरह का जोड़ा लगा हुआ है। तो दोस्तों, देख सकते हो आप इतने सारे जंगली कबूतर बैठे हुए हैं छत में, और ये सारे जंगली कबूतर दड़बे के अंदर रहते हैं। ये सभी जंगली कबूतर यहाँ पे आने लगे हैं, और ये जो जंगली कबूतर हैं ये करीब 5 या 6 जोड़े जंगली कबूतरों के अंदर रहते हैं, और अंदर ही एक जंगली और पालतू कबूतर ने अंडे रखे हुए हैं जोड़ा खा के, जंगली और पालतू कबूतर का। और ये 5 जोड़े जंगली कबूतर के अंदर रहते हैं, वो भी अंडे रखने वाले हैं। आप देख सकते हो ये नर कबूतरी के पीछे भाग रहा है, ये भी अंदर ही रहता है। और हम आपको ये फुटेज भी दिखाएंगे कि कबूतर दड़बे के अंदर जाते हुए, और देखो कितने सारे अभी जंगली कबूतर चुगने के लिए आ जाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों, ये जो जंगली कबूतर के जोड़े लगे हुए हैं और ये कबूतर अंडे रखने वाले हैं, इन जंगली कबूतरों के नीचे मैं निकलवाऊंगा पालतू कबूतर के बच्चे। और ये आप भी जानते हो कि जंगली कबूतर कितने अच्छे से बच्चों की भराई करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों आप, दड़बे के अंदर जंगली कबूतरों का आना जाना शुरू हो गया, और ये काफ़ी सारे जोड़े दड़बे के अंदर ही जाते हैं, क्योंकि बहुत से मेरे भाई ये कहेंगे कि ये तो बाहर ही चुग रहे हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहां कहां ये जंगली कबूतर रहते हैं और कहां कहां अंडे रखने वाले हैं। और एक ने, हमारे जंगली कबूतर ने अंडे रख दिए हैं, वो अंडों पर बैठी होगी नरिया मादिन। आप देख सकते हो ये जंगली कबूतर अंदर जा रहा है। पहचान के लिए इसके पैर में पैंदनी पहनाई थी, लेकिन उसने एक खोदी, देख सकते हो आप, गया वो अंदर। ये आया बाहर निकल के, इस जंगली कबूतर का लगा हुआ है पालतू कबूतरी से जोड़ा। इतने दोस्तों हमारे पालतू कबूतर नहीं है जितने सारे जंगली हो रहे हैं।
तो दोस्तों अब ये जंगली कबूतरों ने और हमारे कबूतर ने दाना चुग लिया है, तो हम कैमरा ले जाते हैं दूसरे एंगल पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दड़बे में आते जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये मेरे खड़े होने से जंगली कबूतर आधे चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाएंगे। ये देख सकते हो जंगली कबूतर अंदर जाने लगे। और सामने शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा आपको, फोकस करता हूँ मैं, जंगली कबूतर अंदर गुटक रहा है, दिख गया हो रहा। ये जो है जंगली है, सफ़ेद कबूतरी जो बैठी है अंडे के ऊपर, ये निकल कर आया, देख सकते हो आप। तो देख सकते हो दोस्तों, तो दोस्तों दाना चुगने के बाद की वीडियो हम दिखाते हैं जब शाम के टाइम, अब करीब 5:15 बजे हुए हैं, दाना चुगने के बाद ये सारे जंगली कबूतर दड़बे के अंदर जाएंगे, तो उस समय की वीडियो दिखाता हूँ। ये जो कबूतर हैं सब जाएंगे दड़बे के अंदर, तो वह भी दाना चुगने के बाद मैं वीडियो दिखाता हूँ। जिस तरह से हमारे पालतू कबूतर घूमते हैं, इसी तरह ही सारे जंगली कबूतर घूम रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि जंगली कबूतर थोड़े चौकन्ने होते हैं, मैं उधर से इधर उठ के आया तो काफ़ी सारे कबूतर उड़ गए, और दोबारा आ जाएंगे वो। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अब जंगली कबूतर अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हो अब दाना खाना खा पी कर अब जंगली कबूतर अंदर जाने लगे हैं। ये अपने अपने खाने में बैठने लगे हैं, यहाँ से दिख नहीं पाएगा। ये देखिए, ये बाहर निकल कर आया है। दोस्तों देख सकते हो आप, कबूतरी के पीछे नर भाग रहा है अंडे रखवाने के लिए।
और ये जो जोड़ा है ये हमारे दड़बे के अंदर ही अंडे रखेंगे, ये सीधा ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला खाना है इनका। ये देखिए ये ऊपर चला गया, देखिए गए उड़ गए। और अब ये जंगली कबूतर जाने शुरू हो गए हैं दड़बे के अंदर। पानी ख़त्म हो गया है, मैं पानी लेकर आता हूँ, वीडियो दोबारा से बनाएंगे, जंगली कबूतर को सारे को बाहर निकाल देंगे और दोबारा से ही वापस आ जाएंगे। तो मैं जंगली कबूतर को बाहर निकाल कर जाता हूँ पानी लेने, वो दोबारा अंदर बढ़ते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अब ये हमारे कबूतर अंदर जाने लगे हैं और जंगली आएंगे, एक ये गया जंगली और ये भी दड़बे के अंदर बढ़ जाएंगे, मेरे पीछे भी आके बैठ रहे हैं। और दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि जंगली कबूतर मेरी छत पे हिले कैसे हैं। आप दाना पानी घेर के बस कबूतरों को ऐसे ही छोड़ दो। ये देख सकते हो आप, एक जंगली कबूतर ये गया, इन्हें ना तो परेशान करें, एक ये गया अंदर, और ना ही इन्हें छेड़ें, अच्छे से खाने पीने को दो और इन्हें परेशान ना करें। देख सकते हो आप एक जोड़ी ये बैठा हुआ है, ये रहा, और ये मेरी छत पे से आने लगे, ये गए दो, ये गए, बस आपको इन जंगली कबूतरों को छेड़ना नहीं है, दाना पानी आराम से खिलाओ, दड़बा खुला छोड़ दो और खाने में भी इन्हें मत छेड़ो। और मैंने भी ऐसे ही किया, तो अब तीन चार जोड़ जो जंगली के हैं वो अंडे रखने वाले हैं, एक जोड़ ये गया, मादी ये गई, नर भी ये कूद गए। एक ख़ास बात यह है इनकी, ये रहते सबसे ऊपर वाले खाने में हैं, तो दिखाते हैं आपको, ये गया अंदर। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कि दड़बे में कितने सारे जंगली चले गए हैं और एक ये आया है, तो दिखाता हूँ मैं दड़बे में कितने जंगली गए हैं। और ये कबूतर ये भी गया, और जैसे ही मैं दड़बे के पास जाऊँगा काफ़ी सारे जंगली निकल के भागेंगे भी, और फिर उन्हें दोबारा अंदर जाते हुए दिखाऊँगा। तो चलते हैं दड़बे के पास, कितने जंगली निकल के भागते हैं। दिखाना चाहूँगा कि ये कहाँ कहाँ बैठते हैं, एक ये गया, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, पांच छह कबूतर भाग गए हैं। आप देख सकते हो इन्होंने चॉइस कर रखा है ऊपर वाला खाना, ये कनस्तर का सेटअप लगा हुआ है और देख नहीं रहा, एक सामने बैठा हुआ है जंगली, इधर बैठे हुए हैं, इस तरफ का सेटअप कुछ बनाया हुआ है, और ये अभी भी कई सारे जंगली हैं जो बैठे हुए हैं, और एक ये रहा हमारा जो करीब एक साल से बच्चे निकाल रहा है। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं फिर उसी जगह, ये आने लगे, जा बेटा अंदर तू भी, ये गया। एक और आया, ये भी गया। तो दोस्तों देख लिया आपने के
हमारे जो दड़बे में जंगली कबूतर कितने सारे रहते हैं और ये अंडे बच्चे भी निकालेंगे, तो हम इनके जंगली कबूतरों के नीचे अपने पालतू कबूतरों के अंडे बच्चे निकालेंगे। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा जो एक दूसरा चैनल है उत्तम कुमार ऑफिशियल वन के नाम से, जिस पर हम देहाती वीडियो, कॉमेडी वीडियो और हरियाणवी वीडियो बनाते हैं, तो वो आपके भाई का खुद का चैनल है, आपका अपना चैनल है जिसमें मैं एक्टिंग करता हूँ। और उस चैनल पर भी जाइए, एक बार देख के कमेंट करके बताइए कि वो वीडियो कैसी लगती है। और इसका चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।